welcome students to our online classes on youtube today we are going to complete exercise 6.1 in previous video we had completed the introduction of this exercise and up to question number fifth today we are going to start question number sixth and in this video we will complete this exercise also okay students so let's get started what is the question number six क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन यस इस क्वेश्चन में ये पूछा है बच्चों इसने कि दिए हुए नंबर्स में कौन सा नंबर किसके राइट में है विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर क्या टू नाइन के राइट right में है यस विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर क्या टू नाइन राइट में है या नाइन टू के राइट right में है ये क्वेश्चन है समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है देखना है कि टू नाइन के राइट में है या नाइन टू के राइट में है बस इतनी सी बात है तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एक स्टार पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन में ये देखिएगा ये तो स्टूडेंट्स सिक्स चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं क्लास सिक्स एन सी आर टी सी बी एस सी चैप्टर नंबर सिक्स इंटीजर्स ओके ये क्या बताया था स्मॉलेस्ट इन द लेफ्ट एंड ग्रेटेस्ट इन द राइट ऑलवेज एक और स्टार पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल से बिग की तरफ चलेगा हमेशा बड़ा नंबर राइट साइड में होगा और छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा ओके स्टूडेंट्स तो एक और स्टार पॉइंट हमने यहाँ ऐड कर दिया बस इसी चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में तो करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स गाइस देखिएगा तो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स टू नाइन ओके लेट्स फोकस ऑन इट टू नाइन यस क्वेश्चन नंबर सिक्स ए पार्ट टू नाइन I am just reading the question again in each in each of the following pairs. Which which number is the right of the other on the number line? So if I make a number line here, yes, I am talking about a rub rough, rough number line. If I make a number line here and it's, it's always start from 0, you know that 0 after 0, 2, and after 2, 9 at some distance. Correct? The question is of right. Which number is of right? So this is right. इज लेफ्ट सो द करेक्ट आंसर इज नाइन नाइन इज ऑन राइट ऑन नंबर लाइन सो स्टूडेंट ट्राई टू मेक दिस फिगर ऑल्सो टू सपोर्ट योर आंसर करेक्ट फिगर बनाओगे तो आपको uh, समझ में भी अच्छा आएगा और जब आप रिवाइज करोगे बाद में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे हमने ये उस टाइम पर किया था

और यहाँ पे माइनस चलेगा आपको पता ही है तो ऐसे ही ये प्लस चलेगा यहाँ और ये यह माइनस चलेगा क्लियर माइनस के पीछे को जाएंगे आपको पता ही है तो पहले कौन सा आएगा माइनस में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और बार, उसके बाद कुछ डिस्ट्रेस के बाद आएगा माइनस एट तो राइट लेफ्ट तो राइट पे क्या है यहाँ पे माइनस थ्री यस माइनस थ्री इज ऑन इज ऑन राइट माइनस थ्री इज़ ऑन राइट ऑन नंबर लाइन सो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये नंबर लाइन पे बनाना है और बताना है और कुछ भी नहीं करना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं ऐसे कहूँगा यू हैव टू जस्ट प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड आईडेंटिफाई वेर इज राइट विच इज राइट विच इज़ ऑन राइट एंड विच इज़ ऑन लेफ्ट ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज स्टूडेंट्स जीरो माइनस वन सी पार्ट लेट सी अगेन पार्ट सी ज़ीरो माइनस वन वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक अ नंबर लाइन इन ऑर्डर टू सपोर्ट अवर आंसर ज़ीरो माइनस वन वेरी सिंपल प्लस इन फाइनाइट माइनस इन फाइनाइट ज़ीरो जरूरी नहीं है इन फाइनाइट लिखो आप ऐसे प्लस और माइनस भी लिख सकते हो जीरो इज ऑन राइट ऑन लेफ्ट माइनस वन इज़ ऑन लेफ्ट सो वॉट इज द आंसर ज़ीरो क्वेश्चनिंग क्वेश्चन आर होमवर्क और एक बात का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स माइनस में बड़ा नंबर कौन सा होता है ये देखिए मैंने क्या बताया था स्मॉल इधर स्मॉल होगा इधर ग्रेटेस्ट होगा तो इधर देखिए थ्री बड़ा होगा एट से नाइन बड़ा होगा टू mm -hmm. से टू बड़ा होगा जीरो से जीरो बड़ा होगा थ्री से थ्री माइनस थ्री बड़ा होगा माइनस एट से ज़ीरो बड़ा होगा माइनस एट से राइट वाला हमेशा बिगर होता, थी होता है मैंने अभी आपको बताया भी था राइट वाला हमेशा राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा क्लियर ये देख सकते हैं हम ये देखिए ये बड़ा होगा यस राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा ये देखिए राइट वाला नंबर हमेशा बिगर ओके सो इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत ईजी चैप्टर है वी कैन से तो ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी ऑर्डर इन द नेक्स्ट राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ओके जीरो और माइनस सेवन के बीच में कितने इंटीजर्स हैं सब बताने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ओके क्वेश्चन नंबर सेवन रिमेनिंग पार्ट आर होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवन ए पार्ट इज जीरो एंड माइनस सेवन हमें जीरो और माइनस सेवन के बीच में बताना है कितने नंबर हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो देखिए नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं थोड़ी सी ज़ीरो इधर होगा और माइनस सेवन इधर होगा इंक्रीजिंग का मतलब स्मॉल टू बिगर वन छोटे से बड़े की तरफ को लिखने हैं सारे नंबर ज़ीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और माइनस सेवन करेक्ट के बाद कौन कौन से नंबर हो गए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस माइनस सिक्स तक लेकिन इसने कहा इंक्रीजिंग में लिखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा सबसे लेफ्ट में जो होगा वो सबसे छोटा होगा माइनस वन माइनस टू सो ऑन so सबसे लेफ्ट में जो होगा सबसे छोटा होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया माइनस सेवन के बाद कौन सा इधर माइनस सिक्स माइनस सिक्स से बड़ा माइनस फाइव माइनस फाइव से बड़ा माइनस फोर तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है माइनस में तो देख लेते हैं इंटीजर्स लाई बिटवीन जीरो एंड माइनस सेवन आर माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन करेक्ट और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने लिखे हैं चाहो तो आप पहले कैसे भी लिख दो फिर बाद में इंक्रीजिंग में लगा दीजिए ये इंक्रीजिंग में ही लिखे हैं क्लियर आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे। माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन बोथ आर करेक्ट कैसे भी आप लिख सकते हो दोनों ही ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस फोर एंड फोर माइनस फोर और फोर के बीच में बताने हैं आपको माइनस फोर एंड फोर तो दोबारा मैं नंबर लाइन से आपको समझाना चाहूँगा फोर ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो फोर तो इधर आएगा प्लस में चलिए यहाँ फोर ले लीजिए माइनस फोर इधर आएगा तो यहाँ माइनस फोर ले लीजिए माइनस फोर और फोर के बीच में बताने हैं इंक्रीजिंग बताने तो यहाँ से उठाएंगे आप यहाँ से इधर को ऐसे ऐसे चलेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट होता है बड़ा आपको बताया पहले ही तो माइनस फोर के बाद माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री राइट इंटीजर्स टीजर्स लाई बिटवीन माइनस फोर एंड फोर आर माइनस थ्री यहाँ होगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री बिटवीन है तो फोर नहीं आएगा माइनस फोर नहीं इंक्लूड नहीं होंगे ये बिटवीन में इंक्लूड नहीं होते क्लियर तो आई होप आपके समझ में आ रही होगी बात तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चन आप अपना आप कर लोगे ये ये माइनस एट माइनस फ़िफ्टीन भी अपना आप, आप कर लोगे चलिए मैं करा देता हूँ आपको माइनस एट माइनस फिफ्टीन वाला मैं करा देता हूँ देखते हैं देखिएगा कहाँ है सी पार्ट पार्टी माइनस एट माइनस फिफ्टीन एंड माइनस फिफ्टीन नंबर लाइन से देख लीजिए दोबारा माइनस जीरो पहले माइनस एट पड़ेगा बाद में माइनस फिफ्टीन पड़ेगा राइट तो माइनस फिफ्टीन से चलो राइट की तरफ इंटीजर्स लाई बिटवीन कितना इजी क्वेश्चन हो गया इंटीजर्स लाई बिटवीन माइनस एट एंड माइनस फिफ्टीन आर माइनस फिफ्टीन के बाद किधर कौन सा है माइनस फोर्टीन माइनस थर्टीन माइनस ट्वेल्व माइनस एलेवन माइनस टेन माइनस नाइन बस माइनस नाइन तक माइनस नाइन के बाद माइनस एट आ जाएगा जो कि हमें नहीं लिखना माइनस एट तो इंक्लूड होगा ही नहीं क्योंकि बीच में उसने पूछा है तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आप ये कर लोगे अपना आप नेक्स्ट देखिए एट राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी से बड़े हो बस देख लेते हैं क्वेश्चन एट वी एट ए पार्ट माइनस ट्वेंटी ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये क्या है माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी के बाद क्या होगा इधर माइनस नाइनटीन इधर क्या होगा माइनस ट्वेंटी वन समझ रहे हो ना लेफ्ट में माइनस नाइनटीन पहले बताया अभी तो माइनस ट्वेंटी से बड़े इसने पूछा माइनस ट्वेंटी से बड़े बताने हैं तो माइनस ट्वेंटी से बड़े कौन से होंगे इधर सवाल वाले सारे तो माइनस ट्वेंटी से बड़े नंबर होंगे माइनस नाइनटीन माइनस एटीन माइनस सेवनटीन माइनस सिक्सटीन माइनस या फिर प्लस के कोई से भी ले लो वन टू थ्री सब बड़े होंगे माइनस ट्वेंटी से तो इसका आंसर इसका मल्टीपल आंसर हो सकते हैं माइनस ट्वेंटी से बड़े कोई से भी नंबर लिख दीजिए लेकिन फिर भी हम नंबर लाइन को रखते हुए हम वही नंबर लिखेंगे जिससे हम नंबर लाइन अच्छे से सीख सकें तो इसने बोला हमें राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन नाइन्टी हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा माइनस ट्वेंटी तो हम लिखेंगे देयर फोर फोर नेगेटिव सॉरी स्टूडेंट नेगेटिव है तो वन टू थ्री फोर नहीं लेंगे नेगेटिव ही लेने हैं फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, माइनस ट्वेंटी आर अब आप माइनस वन तो ले सकते हो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस इलेवन, माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवेंटीन माइनस माइनस नाइनटीन यहाँ तक कोई से भी ले लोगे प्लस के नहीं ले सकते और ट्वेंटी या ट्वेंटी से बड़े इधर को नहीं ले सकते बड़े नहीं मतलब इधर को नहीं ले सकते ट्वेंटी से बड़े कौन से होंगे माइनस नाइनटीन minus 18 minus 17 minus 16 very simple multiple answers are possible in this question okay let's see what is he is asking in the part b in part b he is asking right 4 negative integers less than minus 10 less than minus 10 yes let's see where minus 10 lie suppose it is minus 10 तो ये एक छोटा ये एक बड़ा माइनस टेन से बड़ा नंबर कौन सा होगा माइनस नाइन और माइनस टेन छोटा कौन सा होगा माइनस इलेवन निगेटिव में उल्टा हो जाता है आपको बताइए माइनस टेन से छोटे नेगेटिव इधर के सब आ जाएंगे फोर नेगेटिव इंटीजर्स आप पूरी लाइन ना लिख के ना फोर नेगेटिव इंटीजर ऐसे लिख, ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो देयर फोर रिक्वायर्ड इन टीचर्स रिक्वायर्ड इन टीचर्स का मतलब हमने पूरी लाइन कवर कर दी रिक्वाड तो रिक्वायर्ड है हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड इन टीचर्स आर माइनस एलेवन माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन एंड माइनस फोर्टीन एंड लगा दीजिए यहाँ भी एंड लगा दीजिएगा सही हो जाएगा ये ओके नेक्स्ट लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ

राइट ऑफ माइनस टेन ऑन नंबर लाइन क्या माइनस एट राइट पे होगा माइनस टेन के तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा देख लेते हैं माइनस एट माइनस टेन कहाँ होगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो पीछे को चलेगा माइनस वन माइनस टू माइनस एट माइनस नाइन माइनस टेन माइनस टेन ये रहा? ये रहा राइट right, ये रहा लेफ्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माइनस एट इज ऑन राइट माइनस एट इज ऑन राइट यस ट्रू इट इज ट्रू सो इट इज ट्रू करेक्ट लेट सी द बीवन वेर इज बी माइनस हंड्रेड इज टू राइट ऑफ माइनस फिफ्टी माइनस हंड्रेड इज टू राइट ऑन माइनस फिफ्टी तो माइनस हंड्रेड माइनस फिफ्टी देख लेते हैं कहाँ कहाँ रहा है स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो के बाद आएगा फिफ्टी माइनस का और इसके बाद आएगा माइनस हंड्रेड ये राइट right है ये लेफ्ट है वेरी सिंपल माइनस हंड्रेड इज टू राइट ऑफ माइनस फिफ्टी हंड्रेड राइट है क्या फॉल्स फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी देयर फोर करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट इज अब करेक्ट स्टेटमेंट दो हो सकती हैं आपकी क्या होगी माइनस फिफ्टी इज ऑन राइट टू माइनस हंड्रेड माइनस फिफ्टी इज ऑन राइट टू माइनस हंड्रेड मतलब माइनस हंड्रेड को रिप्लेस कर देंगे माइनस फिफ्टी से ये आ जाएगा ये आ जाएगा पहली बात और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है करेक्ट इस राइट की जगह पे क्या लिख देंगे हम लेफ्ट लिख देंगे माइनस हंड्रेड इज टू लेफ्ट ऑफ माइनस फिफ्टी तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो तो मैं लेफ्ट वाली लिख रहा हूँ माइनस हंड्रेड ज टू दैफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ माइनस फिफ्टी ऑन नंबर लाइन तो स्टूडेंट दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं बोथ द आंसर आर करेक्ट यू कैन राइट एनी ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज टू ओके लेट सी दी पार्ट वॉट द सी पार्ट इज स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजियर इज माइनस वन In order to solve this question, again I am using a number line as a reference. Let's see. C part is minus uh, smallest negative integer is minus 1 Let's see. Smallest 0 minus one minus two कहाँ तक जाएगा? Infinite जाएगा और जितना left जाएगा उतना ही छोटा नंबर मिलेगा ये कह रहा है क्या माइनस वन स्मॉलेस्ट है अरे माइनस वन तो ग्रेटेस्ट है तो ये हो गया फॉल्स और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई देयर फोर करेक्ट स्टेटमेंट इज ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटेस्ट होगा माइनस वन क्योंकि माइनस वन से बड़ा कोई है ही नहीं नेगेटिव में जीरो आ जाएगा जो कि नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है तो सी पार्ट कंप्लीट हुआ डी पार्ट क्या कह रहा है भाई डी पार्ट कह रहा है माइनस ट्वेंटी ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फाइव दिस इज होमवर्क दिस इज एज सेम एज ए एंड बी बस ए एंड बी में राइट right और लेफ्ट बताया था यहाँ ग्रेटेस्ट बताया ग्रेटर बताया और राइट right का मतलब ग्रेटर ही होता है लेफ्ट का मतलब स्मॉलर होता है मैंने आपको पहले बताया जो राइट right पे होगा वो बड़ा होगा तो डी पार्ट आप अपना आप करेंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डी पार्ट बहुत इजीली आप कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स ये नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर टेन इन क्वेश्चन नंबर टेन ही इज आस्किंग दैट ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग जस्ट रीड इन योर बुक द क्वेश्चन इज ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग ए पार्ट इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ माइनस टू माइनस टू के राइट में अगर हम फोर नंबर आगे बढ़े तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है नंबर लाइन बनानी है नंबर लाइन बना के ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वरना ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है और क्वेश्चन में इंडिकेट भी किया है नंबर लाइन बनानी है तो हमें बनानी पड़ेगी देखते हैं पहला पार्ट तो पहला पार्ट कह रहा है माइनस टू से अगर आप फोर स्टेप राइट जाएंगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा दिस नंबर विल यू विल वी रीच इफ़ वी मूव फोर नंबर्स टू द राइट ऑफ माइनस टू लेट सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक अ नंबर लाइन ये फेयर वर्क है भाई इस बार इस बार आप साफ साफ बनानी पड़ेगी और पिछला वाला रफ है इसका मतलब वो नहीं कि वो भी ख़राब बनाएंगे आप वो भी साफ़ बनाएंगे और नोटबुक पे ही बनाएंगे तो ये नंबर लाइन मैंने बना दी माइनस टू से आगे बढ़ेगा तो ये जीरो होगा ये माइनस वन होगा ये माइनस टू होगा ये माइनस थ्री होगा, 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 होगा वेट 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 पूरा गलत हो गया इधर प्लस होता है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ओके नंबर लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा कोई बात नहीं ये एरर मत लगाना आप नंबर लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा नो प्रॉब्लम एट ऑल माइनस वन के बाद जीरो के बाद माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री द क्वेश्चन इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फोर नंबर्स फोर नंबर ये फोर द राइट ऑफ माइनस टू वी आर ऑन वी आर स्टैंडिंग हेयर वी आर हेयर स्टूडेंट्स यस वी आर हेयर फोर नंबर राइट में जाना है ओके वन टू थ्री फोर कहा आ गए माइनस टू पर आ गए yes, माइनस टू पर चले थे माइनस टू पर आ गए तो आंसर क्या हो गया हमारा Plus 2 plus 2 is the correct answer with the help of this number line here take this is the number line very easy and interesting question it is let's see the next part Part B he is saying read in your notebook also which number will we reach if we move four numbers to the left of minus 1 sorry 1. वन से लेफ्ट में पाँच जाना है देख लीजिए वन कहाँ है और लेफ्ट कहाँ है जीरो वन टू ये प्लस ये माइनस ऐसे इनफाइन आई बना सकते हो आप नो प्रॉब्लम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और बढ़ानी पड़ेगी स्टूडेंट बहुत साफ साफ बना लेना ये नंबर लाइन नोटबुक पे। माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस इन फाइनाइट प्लस इन फाइनाइट चलती जाएगी कहाँ पे, पे है भाई वन पे है आई एम हेयर यस आई एम हेयर लेफ्ट जाना है फाइव नंबर्स ओके नो प्रॉब्लम वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा चल रहा है वेरी इजी कहाँ पे आ गए फाइव जाने पे फाइव नंबर लेफ्ट जाने पे माइनस फोर पे आ गए सो so, ये मेरा आंसर होगा माइनस आंसर ये मेरा आंसर होगा लिख सकते हो आप यहाँ पे आंसर माइनस फोर इज द करेक्ट आंसर सो आई होप दैट रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन डू योर सेल्फ ट्राई इट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आई एम हेयर इफ़ वी uh, पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लन कर देता हूँ इफ़ वी आर एट एट और नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन एट से माइनस थर्टीन पर आने में कहाँ जाना पड़ेगा देख लो कौन सा बड़ा है एट छोटा है एट uh, बड़ा है माइनस थर्टीन छोटा है मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो लेफ्ट जाओगे छोटे तो लेफ्ट पे होता है तो आंसर इज लेफ्ट नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग तो आप नंबर लाइन बना लेना नंबर लाइन बना लेना और नंबर लाइन बना के इस क्वेश्चन को कर लेना आंसर क्या आएगा लेफ्ट लेफ्ट uh, जाना पड़ेगा आपको वो सेम क्वेश्चन है डी बी नंबर लाइन बना के आपको करना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स पॉइंट टू एंड ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू इन वन और टू वीडियोज ओके स्टूडेंट्स थैंक यू बाय बाय नाइस डे